Alam, sponsored by HCIHM Institute of Hotel Management. Make your career in hotel industry. नमस्कार, आप सभी को आलाप कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरूप मजुमदार। हमारी उद्देश्य है कि झारखंड की पूरे टैलेंट को हम लोग आलाप कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने लाए। तो आज हमारे साथ उपस्थित है स्मृति का सरकार एवं उनके मम्मी और उनके गुरु। तो जान लेंगे कि इस टैलेंट में क्या है और कैसे झारखंड में अपना नाम बनाए। हेलो स्मृति, क्या? हेलो सर। आपको कैसा लगता है डांस करना? अच्छा। कितना साल हो गया आप डांस करते हुए आपको? 2 इयर्स। अच्छा, 2 साल से आप डांस कर रहे हैं। आप इतने सारे, इस उम्र में इतने सारे जगहों पे आप इतना सारे प्राइजेस ला चुके हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। और क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। अच्छा अच्छा, आप डांस करते हो और बनना चाहते हो डॉक्टर, कैसे? आपको डांस में इतना रुचि है सो आप बनना चाहते हो डॉक्टर, ये मैंने इसका कुछ बताएंगे इसके बारे में? आपको हीरोइन नहीं बनना है? अच्छा, आपको डॉक्टर ही बनना है। डांस एक पैशन है आपका, इसका मतलब? मेरे को डांस करने में बहुत अच्छा लगता है। डांस करने में सिर्फ अच्छा लगता है ना, अभी आगे जाके भी डांस को लेके कुछ सोचे है कि बड़ा स्टार बनना है, ऐसा कुछ सोचे हैं आप? अच्छा, ऐसा कुछ सोचे नहीं है। आते हैं स्मृति का के मम्मी के पास, पूछ लेते हैं स्मृति का के मम्मी से कि 7 साल में आज इस मकाम तक पहुंच चुकी है, कितने साल से वो डांस शुरू की? आप हमें बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आलाप कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका नाम हमें बताइए, दर्शकों को बताइए। हेलो, मेरा नाम है स्वस्तिका साह सरकार और मैं स्मृतिका की मम्मी हूँ। स्मृतिका 5 साल से सीख रही है, अभी उसका एज है 7 साल और उसको डांस करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत तो मस्ती करके डांस करती है। कितना सपोर्ट रहता है, मतलब आप लोगों को 5 साल से जब सीख रही है तो कैसा, आप किस तरह से उनके पीछे उनका कैसे क्या करते, मेहनत देते हैं, कितना एफोर्ट देते हैं आप? पहली बात तो ये, हम तो बहुत दूर से आते हैं यहाँ सीखने। कहाँ रहते हैं आप? हम हल्दीपोकर में रहते हैं। अच्छा, हल्दीपोकर में रहते हैं आप, सीखते कहाँ पे, सिखाते बच्चे को, कहाँ लेके आते हैं डांस के लिए? आते हैं बिष्टुपुर में, सीखती है मेरी बेटी, गुरुकुल एकेडमी है, वहीं सीखने आती है, जो मेरे घर से 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का आना जाना टाइम लगता है, रास्ता है। तो फैमिली सपोर्ट भी है पहली बात बोलूँगी, और हस्बैंड का भी सपोर्ट है। बहुत दूर से हम आते हैं यहाँ सीखती है, यहाँ से बेटी को लेके जाते हैं, पहुँचते पहुँचते रात भी बहुत हो जाता है। और जो इतना सारा होता है, इतना सारा एफोर्ट क्यों दे रहे हैं आप? किस, क्या लग रहा है कि आपके बेटी में क्या देखे, बेटी में किस टैलेंट है और उस सीखने का वो जज्बा भी है उसके अंदर, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं बस, और जो करना है तो वो करती है। आपको शुरू में कैसे, क्या देख के लगा कि इसमें डांस का हुनर है? वो जब छोटी थी, जैसे ही म्यूजिक सुनती थी वो अपने आप ऐसे हिलने लग जाती थी, तो मतलब डांस करती थी जैसे डांस करते हो, अपने स्टेप डाल के अपने से डांस करती थी। तो कितना साल उम्र से वो? 2-2.5 साल से। अच्छा, 2-2.5 साल से वो मतलब सुनने सीखने सीखी तब से। अच्छा। और वो देख के हमको लगा कि उसके अंदर वो है जो वो करना चाहती है, तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, अभी जो करना है वो करेगी। अच्छा अच्छा, तो आपको बच्चे के लिए सुबह से शाम तक बैठे रहना होता है? हाँ। इतना माने हाता में, हल्दीपुकुर में रहते हैं आप लोग, और वहाँ से जमशेदपुर आते हैं, जमशेदपुर में डांस सिखा के फिर बच्चों को रहते हैं ये, और बहुत सारे शोज में भी जो जाते हैं आप लोग, आप बहुत सारे शोज में भी स्मृतिका गई है, लाइक कहाँ कहाँ गई है? झारसुगुड़ा गई है और रांची भी गई थी, यहाँ हम लोग का जमशेदपुर में भी 2 जगह गई है, कोलकाता में टीवी शोज में जा चुकी है, जा चुकी है, लेकिन उतना वहाँ सपोर्ट नहीं मिला इसीलिए वो उतना आगे नहीं जा पाई। अच्छा।
तो आप ये झारसुगड़ा में जो हमें हम लोग ने सुना है कि झारसुगड़ा जो प्रोग्राम झारसुगड़ा में आप लोग गए थे जो स्मृति का परफॉर्म किया वो मिडनाइट में था, जी रात में, हाँ रात में उसका बहुत हाँ देरी से हुआ हाँ था बहुत देरी से और हुआ, उस 2:30 बजे प्रोग्राम, इसका मतलब प्रोग्राम शुरू हुआ 2:30 बजे, वो अपना परफॉर्मेंस की, उसके बाद प्राइज लेते लेते हम लोग को सुबह हो गया। और उस मिडनाइट में भी जो बच्ची का सोने का एक बच्चा लोग सो जाती जी है जी उसमें भी वो डांस करके फर्स्ट प्राइज ली। जी और मैं सुना हूँ कि उड़ीसा में स्पेशली झारसुगड़ा जैसे जगह में बहुत सारे टैलेंट है बहुत सारा, और बच्चे लोग इतना टैलेंटेड है उसमें उसके बीच में अपना फर्स्ट प्राइज लाना ये बड़ी बात है। जी ये आप हमारे साथ उपस्थित हैं मास्टर लिटिल जो स्मिता के डांस टीचर हैं, हम जान लेंगे कि क्या है जो स्मृतिका में जो आज अपना ये नाम झारखंड में, झारखंड में सब जूनियर सेक्शन में इतना अपना नाम कमा चुकी है। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम मास्टर लिटिल है और मैं साई गुरुकुल बिष्टुपुर में डांस सिखाता हूँ। स्मितिका में एक तीन चीज़ है, म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है, उसको रिपीटेशन के बारे पता है कि कब रिपीट करना है, और ये पता है कब मार्किंग करना है। तो ये सेंस उसमें हम लोग ऐसा टीचर हम लोग सिखाते हैं, बस उसके पास वो नेचुरली है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। अच्छा। उसको म्यूजिक सेंस स्टेप बता दो, उसको पता होता है कि आप उसको बोलो रिपीट करो तो वो रिपीट, मार्किंग करो तो मार्किंग, म्यूजिक सेंस बहुत है। और सबसे पहली बात कि वो ऑब्जेक्ट नहीं करती है कोई भी चीज़ में कि सर ये सॉन्ग मज़ा नहीं आ रहा, ये सॉन्ग नहीं, सर को मज़ा आ रहा है मतलब उसको भी मज़ा आ रहा है, तो इसमें खास है। इतना सारे बच्चे हैं आपके, आपका तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जमशेदपुर में, आप एक पहचान रखते हैं डांस क्षेत्र में, मास्टर लिटिल को सभी जानते हैं, बहुत सारे टीचर भी सुने हैं आपसे, आप जो भी शोज में जाते हैं तो आपसे स्टेप लेते हैं, आपसे म्यूजिक कंपोज कराते हैं, ये खास बात हम आपके बारे में सुने हैं। जमशेदपुर में बहुत सारे जन आपके बारे में तारीफ भी किए हैं कि उनका कुछ हटके हैं, जमशेदपुर में जितने भी डांस टीचर हैं उसमें से लिटिल हटके हैं, उनका म्यूजिक सेंस, उसका कंपोजिशन, उसका स्टाइल एक अलग पहचान रखते हैं। तो सर आपका जो ये स्टूडेंट, आपका जो स्मृतिका के बारे में आज हम लोग लेके बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो स्मृतिका जैसा टैलेंट रखता होगा, ऐसा जमशेदपुर में क्या लगता है कितना टैलेंट है हम जमशेदपुर में? जमशेदपुर में 100 में से 75% ऐसा टैलेंट है, बट वो लोग बहुत सारे लोग हैं किन्हीं को बैक सपोर्ट नहीं है, या तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन टैलेंट है। जहाँ हम लोग भी बहुत जगह जाते हैं जहाँ पे नहीं देख पाते हैं कि वो लोग टैलेंटेड है, बस दूसरे से सुनने मिलता है, फिर बाद में पता चलता है कि हाँ यार ये बच्चे पे भी है टैलेंट। जमशेदपुर छोड़ के भी पूरी झारखंड के बात करूं तो हम लोग झारखंड में बहुत सारे ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारे गांव के, हमने बहुत सारे शोज में हम लोग गए देखे कि गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो एक बड़े चैनल पे अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं लेकिन नहीं दिखा पाते। इसके बारे में क्या आपको, कैसे आप, मैंने क्या लगता है कि क्यों चैनल में नहीं जा पाते हो लोग? सर ऐसा है कि पहले चैलेंज में ये होता था कि आपके पास टैलेंट है तो आप आओ, बट अभी ऐसा हो रहा है बैकग्राउंड देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, वो कौन से कल्चर से रिलेटेड है, ये सारे चीज़ होते थे। पहले क्या होते थे रियलिटी शो में, आपके पास टैलेंट है आप आ सकते हो, तो उस बेस पे अगर जाए तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सारी चीज़। अच्छा, तो मैं आपका बोलने का यह है कि टैलेंट के बावजूद भी अगर उनके पास सारा पूरा पैकेज ना हो, लाइक सोर्सेज, स्टोरीज, ये सारा चीज अगर कंबाइंड एक टैलेंट के साथ साथ ये सारा चीज अगर रहे तभी चैनल में जा पाएगा, माने सिर्फ टैलेंट से नहीं, चैनल सिर्फ में नहीं जा टैलेंट से सकते। नहीं हो अच्छा, पा रहा है। तो सर आप कितना साल से, कितना दिन से इनको स्मृति का कुछ सिखा रहे हैं? अभी गुरुकुल में तो मैं 2 साल से हूँ साई गुरुकुल में, बट स्मितिका को मेरा 4 मंथ हो रहा है। अच्छा, 4 मंथ में, अच्छा 4 मंथ सीखने के बावजूद, मैंने 4 मंथ सिखाते हुए और ये 4 मंथ में ये इतने जगह में प्राइज ला चुके हैं, इतने जगह में अपना नाम लिख चुका है, झारसुगड़ा में सुने हैं इनका बहुत तारीफ हुआ है सब जूनियर हाँ, में। और झारसुगुड़ा में जो जजमेंट में थे सर, कार्तिक राजा सर, उनका बहुत बड़ा है इंडिया में, वो लेजेंड ही है, वो जजमेंट कर रहे थे, मैं तो वहां पे नहीं था, ये गई थी उनकी मम्मी ने बोला कि अच्छा कमेंट आया है जैसे। चलिए हम लोग देख लेंगे स्मितिका का एक छोटा सा परफॉर्मेंस। स्मितिका आप हमें थोड़ा सा डांस दिखाओगे हमारे सारे दर्शकों को? हाँ जरूर।
चलिए तो हम लोग देखते हैं स्मितिका का छोटा सा एक परफॉर्मेंस। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India Club Course एवं Diploma Course Practical Class की सुविधा एवं 100% Job Placement करें अपने सपने को साकार संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management करें अपने सपने को साकार संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट थर्ड फ्लोर डीएड स्टेट सेंटर नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ऐसा हम बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि हमारे ग्लोब टीवी का एक हम लोग का जो मेन उद्देश्य है कि हमारे हमारे सारे झारखंड के बच्चों को हम लोग झारखंड के सारे टैलेंट को हम लोग आगे लाएं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन टैलेंटों को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए कि आगे वो लोग बढ़े क्या इस? बस मैं सारे डांसर्स जो सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं जो सिखा रहे हैं उन्हें भी सीखना जरूरी है और जो सीख रहे हैं उनको सीखते सीखते और अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो खुद को सिखा सके। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे बस, बैकग्राउंड के बारे ना सोचे, वो कभी ना कभी किस्मत के ऊपर है कि कहीं ना कहीं हो ही जाना है। तो आपको स्मिता के भविष्य के बारे में क्या लग रहा कि ये तो बोल रहे हैं ये डॉक्टर साहब बनेगी, वो बोल रही है डॉक्टर बनेगी, बट मेरे को लग रहा है हीरोइन ही बनने वाली है। हीरोइन का तो पता नहीं बट कोरियोग्राफर बन जाएगी जैसा सेंस उसका ये एज में है। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो देखा जाए कि वे फिल्म दुनिया में वे फिल्मी दुनिया में हमारे बॉलीवुड में भी देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियरिंग इस लाइन में इस प्रोफेशन में, ये तो एक टैलेंट है, एक ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, प्रोफेशन के साथ साथ ये भी चला ही सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो लिटिल सर बैठे हुए हैं वो सभी झारखंड के या कोई भी टैलेंट को कोई भी स्टूडेंट्स को वो बोलना चाह रहे हैं कि आप मेहनत करो, टीचर को फॉलो करो एवं टीचर जैसे क्वालिटी अपने आप में लाओ। सो क्या यू लर्न सेमटेनसी यू टीच योर सेल्फ। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप स्मितिका के साथ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। हम ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि आपका बेटी बहुत आगे जाए और दर्शकों को आपकी इन बातों से प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप उनके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव बनिए तो ये टैलेंट आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन छोड़ के भी एक्टिविटीज में भी बच्चे अपने लाइफ बना सकते हैं। आज के दुनिया में जी चारों तरफ आप देख रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन नहीं कोई भी एक्टिविटीज में अपना फ्यूचर बच्चा बना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आलाप की कार्यक्रम
आज यहीं तक, यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आएंगे एक नए टैलेंट के साथ आपके सामने। तब तक देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड। नमस्कार।